हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सेहत रात में। दोस्तों, क्या आपका पीरियड्स लेट आती है, या पीरियड्स आने में डिले हो रहा है, या आपका पीरियड्स मिस हो गया है, या आपका पीरियड्स नहीं आ रही है, या आपके पीरियड्स देर से आने की समस्या है? तो दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखते रहें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में 16 ऐसे कारण जिसकी वजह से आपकी पीरियड्स नहीं आ रही है। दोस्तों, आपने प्रेगनेंसी भी टेस्ट कर ली, प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है और पीरियड्स नहीं आ रही है पिछले 2 महीने से। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ आप लास्ट तक बने रहें, ये सारी कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर दूंगा और आपकी ये सारे टेंशन को मैं ख़त्म कर दूंगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, ठीक है? आप वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन देख सकते हैं, उसे आपको सिंपली ऐसा क्लिक करना और हाँ, बगल में घंटी बटन को क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मैसेज आप तक फ्री में हर रोज़ पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री होता है, ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से कारण हैं कि आपके पीरियड्स नहीं आ रही है। दोस्तों, सबसे पहला जो रीज़न हो सकता है, मैं आपको इसमें 16 रीज़न बताने वाला हूँ, 16 कारण बताने वाला हूँ। आप इसमें से किसी भी कारण को अपने से मिला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पीरियड्स हाल ही में शुरू हुए हैं, तो दोस्तों आपके मासिक धर्म देरी आने पर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ गर्ल्स को शुरू शुरू में अनियमित मासिक धर्म आते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपकी पीरियड्स हाल ही में शुरू हुई है, आप 14 साल 15 साल की हुई हैं और आपका पीरियड्स हाल ही में शुरू हुआ है और पीरियड्स अनियमित आ रही है, यानी कि 2 महीने में आ रही है, 3 महीने में आ रही है, या आपको महीने में कभी कभी 2 बार भी आ सकती है, तो दोस्तों इससे आपको घबराना नहीं है। आप कुछ दिन वेट कीजिए, कुछ साल वेट कीजिए, ये फिर नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा जो कारण हो सकता है पीरियड्स डिले होने का, एक कारण वज़न का बढ़ना भी है। मोटापा बढ़ने के कारण शरीर में हार्मोन सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता, जिससे पीरियड्स ना आना या लेट होने जैसी समस्या आने लगती है। दोस्तों, इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, योग के द्वारा अपना वज़न कंट्रोल में रखें। दोस्तों, अगर आपका वज़न बढ़ा है, तो दोस्तों आपको अपने वज़न को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह आपके पीरियड्स को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। दोस्तों, अगला जो कारण हो सकता है, कुछ महिलाएं तेज़ी से अपना वेट लॉस करती है, करने के लिए और डाइटिंग भी करती है और सब कुछ खाना पीना छोड़ देती है, जिस कारण उनकी बॉडी को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इसे हम ईटिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं और दोस्तों ये आपके पीरियड को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है और आपकी पीरियड्स लेट आती है, पीरियड्स मिस हो जाती है, कई कई बार 2-3 महीने गुजर जाने के बाद भी आपकी पीरियड्स नहीं आने लगती है। तो दोस्तों, अपने वेट को मेंटेन रखें, इसका सबसे अच्छा उपाय यही होगा। दोस्तों, अगला जो इसका कारण हो सकता है, वज़न का सामान्य से कम होना भी पीरियड्स प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है। कुछ महिलाएं और लड़कियों का शरीर दुबला पतला होता है, जिससे उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एस्ट्रोजन नहीं बन पाता, जिस कारण अनियमित माहवारी के लक्षण दिखने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपका नॉर्मल वेट से बहुत ही कम है, आप पतली दुबली हैं, तो दोस्तों ये भी एक वजह हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है आपके पीरियड्स लेट होने की। दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने सेहत को बनाए रखना है, अपने दुबले पतले शरीर का आप उपाय कीजिए, उसे ठीक कीजिए, अपने सेहत को बनाइए, इससे आपके पीरियड्स नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों, कुछ लड़कियों में फिट बॉडी पाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करती है, ऐसी लड़कियों में एमसी लेट होना या मिस होने की समस्या अधिक होती है। दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी को फिट करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, तो दोस्तों ये भी आपके पीरियड्स को लेट या मिस कर सकती है। कुछ महिलाओं के पीरियड्स पूरा साल बंद रहते हैं और ऐसा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करने से होता है। तो आपको करना क्या है, कुछ एक्सरसाइज कम करें और आराम करें, तो आपके पीरियड्स फिर नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों, पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, PCOS या PCOD भी इसे कहते हैं। दोस्तों, ये एक डॉक्टरी समस्या है, जिससे ज़्यादा वज़न वाली महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करती है। इससे शुगर, बच्चा ना होना, दिल के रोग भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको पीरियड्स काफ़ी दिनों से नहीं आ रही है, तो दोस्तों आपको डॉक्टर से मिल सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं कि हो सकता है कि आपको PCOS हो गया है।
दोस्तों अगला जो कारण है थायराइड का रोग। जी हाँ दोस्तों, थायराइड भी मासिक चक्र को प्रभावित करता है, जिस वजह से एमसीडी ले या मिस होने की समस्या होने लगती है। दोस्तों अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है दोस्तों, ये भी एक वजह हो सकता है। आपके पीरियड्स नहीं आ रही है, पीरियड्स देर में आ रही है, 2 महीने गुजर गए हैं और पीरियड्स आपकी अभी तक नहीं आई है, दोस्तों आपको थायराइड का इलाज कराना चाहिए और समय समय पर इसकी जाँच करवाते रहनी चाहिए। दोस्तों अगला जो इसका कारण हो सकता है, अक्सर कुछ महिलाएं खिलाड़ी और डांसर अपनी परफॉर्मेंस को और स्टैमिना को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करती हैं, जिसका बुरा असर उनके एस्ट्रोजन हार्मोन पर पड़ता है, जिससे पीरियड्स मिस होने की समस्या आने लगती है। अच्छी डाइट लेकर कुछ दिन आराम करके आप फिर से अपने पीरियड्स को नॉर्मल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप खिलाड़ी हैं या डांसर हैं या आपका ऐसा प्रोफेशन है जो आप डांसिंग करती है, डांसिंग सिखाती हैं, तो दोस्तों ये भी आपके आपके एस्ट्रोजन हार्मोन को गड़बड़ कर देता है, जिससे बैलेंस गड़बड़ा जाता है और आपकी पीरियड्स लेट होना शुरू हो जाती है। आपको आराम करनी चाहिए, इससे आपके पीरियड्स फिर नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों कुछ शारीरिक रोगों का इलाज लंबे समय तक चलता है, जिससे कई तरह की मेडिसिन खानी पड़ती है और ऐसे में पीरियड्स देरी से आने की समस्या आम है। एक बार रोग का इलाज हो जाने के बाद पीरियड्स आपकी नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों अगर आपकी मेडिसिन काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है तो दोस्तों आपकी पीरियड्स लेट हो सकती है, तो आपको वेट करना होगा आपकी मेडिसिन आपका रोग वो ठीक हो जाने के बाद फिर से ये नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों अचानक से दिनचर्या में बदलाव आने से भी मासिक धर्म प्रभावित होते हैं, जैसे कि कुछ कामकाजी महिलाएं को रात भर ड्यूटी करनी पड़ सकती है और उनका सोना जागना और दूसरे सभी काम करने का समय बदल जाता है। इसके अलावा परीक्षा की तैयारी कर रही लड़कियों का सोने जागने का समय अचानक से बदल जाता है, जिसका असर उनके मासिक चक्र पर पड़ता है। तो दोस्तों ये भी एक कारण हो सकता है आपके पीरियड्स लेट होने की। मानसिक तनाव का बुरा असर आपके बॉडी में हार्मोन्स पर पड़ता है, जिससे हार्मोन का संतुलन बिगड़ने लगता है, पीरियड्स ना आने या लेट आने की परेशानी आने लगती है। इसके उपाय के लिए आपको खुद को तनाव मुक्त और टेंशन फ्री रखना होगा। दोस्तों सफ़र करने का असर आपके खान पान, दैनिक कार्य और दिन पर और नींद पर भी पड़ता है। दोस्तों अगर आप बहुत ही ज़्यादा सफ़र इन दिनों कर रही हैं दोस्तों, ये आपके पीरियड्स को लेट करने का एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। आपको अच्छी नींद और डाइट से इसे फिर नॉर्मल कर सकते हैं। अगला जो कारण हो सकता है, धूम्रपान करने और किसी भी तरह की नशा करने से भी आपके पीरियड्स इररेगुलर हो सकती है, यानी लेट या मिस हो सकती है। दोस्तों आपको अगर आप कोई भी नशा करती हैं तो आपको तुरंत ही उसे छोड़ देना चाहिए, ताकि आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाए और किसी भी तरह की परेशानी ना हो। दोस्तों अगला जो कारण हो सकता है, मैरिज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हाल ही में मैरिज किया है, शादी हुई है, दोस्तों ये भी एक वजह हो सकता है आपके पीरियड्स मिस होने या लेट में आने की, क्योंकि मैरिज के बाद आपकी रूटीन बदल जाती है, आपके शेड्यूल बदल जाती है, आपकी दिनचर्या बदल जाती है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स लेट आने लगती है। दोस्तों मैरिज के बाद सबसे बड़ा एक कारण हो सकता है प्रेगनेंसी। जी हाँ दोस्तों, अगर मैरिज के बाद आपने हाल ही में रिलेशन बनाया था और आप हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हों, तो आपको प्रेगनेंसी किट से टेस्ट कर लेना चाहिए। और अक्सर महिलाएं मैरिज के बाद गर्भ निरोधक गोलियां भी इस्तेमाल करती हैं, काफ़ी हद तक इस्तेमाल करती हैं, इसके वजह से भी आपके पीरियड्स लेट आ सकती है, देर में आ सकती है या इररेगुलर भी आ सकती है। दोस्तों मैरिज के बाद एक सबसे बड़ा एक कारण ये भी है पीरियड्स लेट आने की, कि अगर आप मिल्क फीडिंग कर रही हैं। दोस्तों अगर आपका एक छोटा बच्चा है, आप उसे मिल्क फीडिंग करती हैं, दूसरे दूध पिलाती हैं, दोस्तों उसके वजह से भी आपके पीरियड्स लेट आ सकती है, क्योंकि मिल्क फीडिंग करने से आपके एस्ट्रोजन हार्मोन में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, वो उसका बैलेंस गड़बड़ा जाता है। तो दोस्तों बच्चे को दूध छुड़ाने के बाद आपके पीरियड्स फिर से नॉर्मल हो जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और मेरे ख्याल से आपकी ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई होगी कि आपके पीरियड्स आखिर क्यों लेट आ रही है बिना प्रेगनेंसी के, बिना कोई प्रेग्नेंट के। दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ये हर लड़कियों के साथ होता है, हर लड़कियों के साथ, हर गर्ल्स के साथ, हर वोमेन के साथ, हर औरतों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है।
दोस्तों उनकी ये कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इसे ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस प्रॉब्लम से बच सके और वो टेंशन फ्री हो सके, वो किसी भी तरह की परेशानी से बच सके। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके पास किसी भी तरह का सवाल है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बिल्कुल फ्री होता है, वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन होगा उसे आपको सिंपली क्लिक करना है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।